गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आलू और शिमला मिर्च कट कर दिए हैं। आलू तेल ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दूँ। मसाले ऐड हो गए हैं, अब शिमला मिर्च। आटा भी मैंने गूंथ लिया है, अब इसको 10-15 मिनट लगा के छोड़ देती हूँ। अब मैं ये तीनों आम कट करूँगी। ये आम मैंने कट कर दिए हैं। मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। एक गिलास पीऊंगी सुबह। ये विहान के लिए बचा दिए आम। विहान अभी सो रहे हैं। सब्जी भी बढ़िया बनके तैयार हो गई है एकदम। गल गया ना आलू? हाँ देखो, आलू भी गल गया, शिमला मिर्च भी एकदम। मेरा पता क्या रहता है, जब 50% सब्जी गल जाती है ना, तभी मैं गैस बंद करके 15 मिनट के लिए भाप में छोड़ देती हूँ, मतलब ढक के। हमेशा थोड़ी सी कच्ची छोड़ती हूँ सब्जी, और फिर पूरी अच्छे से अपने आप ही पक जाती है। इससे गैस की भी बचत होती है और सब्जी भी अच्छी बनती है। आटा लगा के छोड़ दिया था ना, तो इतना सॉफ्ट हो गया है, बहुत बढ़िया आटा हो गया है। और ये देखो, अभी फिलहाल मैंने ये डब्बा खोला है मदर डेयरी का, और ये घी बहुत अच्छा है। इसका कलर भी देखो, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत बढ़िया। मैंने अभी कल परसों ही लगाया है। कल शाम को पापा जी आए, बोलते मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता दे। और मुझे मक्की का आटा कॉर्नफ्लोर मंगवाना था, और फिर भी मेरा उस टाइम ध्यान नहीं रहा, और उस यहाँ सोसाइटी में मिला नहीं मुझे, तो मेरे दिमाग से उस टाइम निकल गया। अब देखो पापा जी का चक्कर लगेगा मेरा, तब मैं मार्केट से ही लेके आऊँगी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने होते हैं ना। और यहाँ देखो घी लगा दिया रोटियों के, और ये देखो बढ़िया रोटियां बना दी। ये मम्मी की प्लेट तैयार कर दी है मैंने। मम्मी भी आ गए, आ जाओ मम्मी, खाना खा लो, आप बैठ के खा लो पहले। विहान अभी उठेगा तो मम्मी खाना खा रहे हैं, मैं भी एक रोटी खा लेती हूँ, अभी इतनी भूख तो नहीं है, ये मैं खाऊंगी। मम्मी बर्तन धोने लगी है, एक दो यहाँ पे आके भी। मम्मी मैं धो लूंगी। कल अपने आप मोटर चलाई, थोड़ा सा पानी चढ़ा है। विहानी टोपियाँ मुझे वापस कर दो बेटा। बेटा बच्चे खोस लेंगे आपसे स्कूल में, आप उनको दे दोगे ना? मैं कभी रो रही होती हूँ ना, ये मुझे देख के रोने लग जाता है एकदम से, हो जाता है। मैं इसके सामने रोती नहीं हूँ, ये पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओ मम्मी रो रही है, मम्मी रो रही है, ऐसे करके इसकी भी आंखें भर जाती हैं मुझे रोता देख के। विहान के टिफिन में पराठा रखेंगे। बेटा रोटी तो खानी पड़ती है। नहीं, मुझे रोटी पसंद नहीं है। बेटा रोटी खाते हैं? नहीं, मम्मी नहीं देंगे। तो क्या खाना था टिफिन में, क्या देना था? अंगूर। अंगूर तो नहीं है बेटा घर पे। ये देखो गुस्सा कर रहा है कि रोटी क्यों दे दी, सब्जी रोटी खाएगा बेटा, पसंद करके खाएगा। विहान पराठी है बेटा, रोटी नहीं है। पराठा है, पराठा खाना है, खाना पड़ेगा बेटा। ये देखिए, ये सीमेंट अपने आप टूट टूट के पत्थर की तरह नीचे गिरने लग रहा है। ये ना मरम्मत कर, हर जैसे 10-15 साल बाद ना बिल्डिंग्स की ना थोड़ी बहुत ना कोई सोसाइटी होती है, वो मेंटेनेंस करती है इनको ना, जैसे पूरा फिर से जैसे नया सीमेंट लगाना पड़ता है। पुराना जैसे टाइम के साथ 10-15 साल में ये ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है ना, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। कल को देखो यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, कैसे टूट टूट के गिर रहा है। तो यहाँ पे सोसाइटी में ये है कि आप ना मतलब खुद करवा लो, जिसको मतलब प्रॉब्लम है वो खुद करवा ले, हम अपना घर का तो करवा ले। ये देखो ना घर के बीच की जो ये है जगह, ये तो मतलब सोसाइटी को करवाना चाहिए। हम पैसे भी तो वैसे देते ही है ना, हर महीने के टैक्स भी भरते हैं। मम्मी कपड़े धोने का साबुन मांग रही थी, तो ये मैं मम्मा को दे देती हूँ। साबुन है, सो रहे थे।
नहाने के बाद मैंने ये कलर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं बता पा रही कौन सा कलर है ये। ऑरेंज भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ना मिक्स सा कलर है ये, और दो तीन कलर का मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये साड़ी मैंने आज पहली बार पहनी है, इससे पहले मैंने ये साड़ी कभी भी नहीं पहनी। और इस साड़ी का ब्लाउज़ अभी सिलवाया नहीं है, लेकिन ये वाला ब्लाउज़ जो मैंने पहना है ना, ये पूरी तरीके से मैच हो रहा था, कलर एकदम मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कई बार मुझे नहीं समझ में आता तो मेरे पास जितने काफ़ी सारे, क्योंकि मेरे पास कम से कम 15 ब्लाउज़ स्टिच किए हुए रखे हैं, तो हर कलर के ब्लाउज़ है मेरे पास, गोल्डन ब्लाउज़ भी रखे हैं दो तीन। तो मेरे को ना नए ब्लाउज़ सिलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे साड़ियाँ मेरे पास रखी होती है तो मैं कुछ ना कुछ उन्हीं ब्लाउज़ में से मैच बना बना के पहन ही लेती हूँ। और अभी विहान को मैंने, पापा जी को बोला, मैंने कहा पापा जी मेरे से नहीं साड़ी पहन के, क्योंकि वैसे तो मैं चली जाती हूँ लेकिन ये वाली साड़ी में मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ना विहान को स्कूल से आप ले आना आज। तो पापा जी बोलते किस टाइम लाना है, तो मैंने उनको टाइम बताया। और ये कपड़े सारे धुले हुए हैं, इनको तय कर करके फटाफट लगाती हूँ, घर का रूटीन काम है। झाड़ू तो एक बार तो मैंने पूरे सुबह पूरे घर में से लगा दिया था, और पता है आपको आज मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ सो के एग्जैक्टली। और आपने कहा था ना कि आप ना पहले तो कह रहे थे कि पूरे मतलब रोज का मतलब कम घंटे सोया करोगे, तो मैं ना मतलब 7 घंटे सो रही हूँ अब, मैंने सोचा है, क्योंकि मैं काफ़ी महीनों से ना, कम से कम 6 महीने से रोज़ मेरा 5 घंटे से ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा था सोना। मैं कहा नींद भी ज़रूरी है, अच्छे से नींद लेंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो मैंने अलमारी में कपड़े जचाए जा रही हूँ, फिर से मेरे को प्यास लग गई, अभी पिया था मैंगो शेक, मैं तीसरी बार पी रही हूँ। ये बना के रख लेती हूँ मैंगो शेक फ्रिज में, और थोड़ा थोड़ा जैसे आधा गिलास पी लिया, फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर से पी लिया, ऐसे पीती रहती हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। और बस अभी ये बिस्तर आपको दिख रहा है, ये भी सारा झाड़ूंगी। और आज ना हम हस्बैंड वाइफ को ना अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने बच्चे को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसले करने हैं, मुझे आज लगता है कि झगड़ना पड़ेगा मेरे हस्बैंड से, क्योंकि जब तक उन पर गुस्सा ना करूँ, चिल्लाऊँ ना ना, तब तक वो काम करते नहीं है। अजी सुनते हो, कुछ काम था आपसे। हमारे बेटे विहान का जन्मदिन आ रहा है, नजदीक है बिल्कुल, उसके जन्मदिन का क्या सोचा है आपने? देखो होटल में खाना खा लिया या कहीं घूमने चले गए, वो नहीं चलेगा। देखो पता चलना चाहिए, मेरा बेटा देखिए हो गया अब 4 साल का हो जाएगा, और हमने चलो अभी तक एक भी जन्मदिन अपने बच्चे का अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, कि ये कह दो कि हाँ कुछ अच्छे से मनाया हो, थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा किया हो। हमारी YouTube फैमिली भी है, आप लोग भी आना चाहते हो ना मेरे बेटे के जन्मदिन पर? देखो आज तक मैंने आप लोगों को भी कभी नहीं बुलाया कि ये हो कि हाँ आप लोग भी आए हो, सेलिब्रेशन बहुत अच्छा सा किया हो, एक होता ना टेंट लगा के अच्छा सा लोगों को दुनिया इकट्ठी की हो, बुलाया हो। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा सेलिब्रेशन हो हमारे बेटे का, तो बताइए ना क्या करना है इस बार, थोड़ा अच्छा कुछ अच्छा सा प्लान तो कर लीजिए ना। देखो हर सब कुछ आप मेरे पे ऐसे छोड़ देते हो, ये बात गलत है ना कि सब कुछ मैं करूंगी। मैं आप ये देखिए कि हॉल भी बुक करना है आपको, टेंट लगाना है, हलवाई बैठाना है, पूजा पाठ करवाना है बच्चे के जन्मदिन पे। मेरे बच्चे का तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका भी तो एक तरीके से अब तो समझदार हो गया। और देखो ना सारे यूट्यूबर्स कितने अच्छे से अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर इतने अच्छे 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 मतलब बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं। मैं विहान का नाम ले रही तो कितना अच्छा लगता है ना, फिर सारे गिफ्ट्स खोल खोल के दिखाते हैं, तो मेरे बच्चे को भी गिफ्ट्स मिलेंगे, और अच्छे से हम भी लोगों को अच्छे से खाना खिलाएंगे, अच्छे से मतलब कुछ बढ़िया सेलिब्रेशन करेंगे, तो सही है ना, करना चाहिए ना। तो बस इनको मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि हर बार मना कर देते हैं, कह देते हैं घर घर में कर लेंगे, घर घर में कर लेंगे। आप ही बताइए ना, ये कोई बात हुई? बच्चे का जन्मदिन है, थोड़ा अच्छे से मनाएंगे ना। तो देखिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम टेंट लगाएंगे। हाँ जी टेंट लगाएंगे, हमारी जो सब्सक्राइबर्स फैमिली है उनको भी बुलाएंगे अच्छे से, और उनको अच्छे से खाना खिलाएंगे। बताइए ना, बताइए ना विहान के पापा, बताइए ना क्या क्या सब्जी में रखे, क्या हलवा बनाए, पूरी बनाए, क्या सेलिब्रेशन में रखे। 2 सब्जियां रख लेंगे, या तो छोले रख लेंगे, छोले चावल हो जाएगा, या राजमा चावल, है ना, राजमा चावल सही रहेगा ना, क्योंकि इस बार तो देखो हमारी जो फैमिली है वो भी मतलब लगभग लगा लो फ्री हो जाएगी, तो
तो उनको भी बुला सकते हैं विहान के बर्थडे पे। और इस बार मेरा थोड़ा ब्योत भी अच्छा रहेगा क्योंकि पिछले साल देखो मेरे ऊपर लोन था इसलिए मैं कर नहीं पाई, लेकिन अब तो लोन भी नहीं है इतना कोई खास, तो पैसे होंगे हाथ में तो अच्छा सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक तो राजमा चावल रख लेंगे विहान के जन्मदिन पर, एक हम राजमा चावल हो जाएंगी और रोटी हो जाएगी, इसके अलावा एक मिक्स वेज सब्जी हो जाएगी, ये दो चीजें मतलब आइटम्स रख लेंगे, और आइसक्रीम हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, मीठे में गुलाब जामुन वगैरह, रसगुल्ला वगैरह जैसे वो तो मंगवा लो इकट्ठा वो कर लेंगे, या कुछ हलवा वगैरह बना लिया, मूंग का हलवा, या फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है क्योंकि विहान का गर्मियां भी तो इतनी ज्यादा होती है ना इन दिनों। तो बस इसी बात पे हम हस्बैंड वाइफ डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हमारा बहुत प्यार से होता है क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन है हमारे बच्चे का, हम क्यों ना करें, हम पति पत्नी मिलके अपने बच्चे का फ्यूचर सेट करेंगे, हम दोनों मिलके ही डिसीजन लेंगे ना अपने बच्चे के जन्मदिन का। तो बस बैठे हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बातें कर रहे हैं। चाय पियोगे आप? बना दूं एक कप चाय? बना दूं? तो ठीक है जी, ये तो कह रहे हैं कि चाय पीनी है इनको, तो चाय पीते पीते हम आपस में बातें भी कर लेंगे हस्बैंड वाइफ। तो सारी बातें कैमरे के सामने तो नहीं कर सकते ना, कुछ बातें हम ऑफ कैमरा भी कर लेते हैं वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आप लोग कहोगे सब कुछ तो निधि आप लोगों ने बता दिया हमें। तो कमेंट करके बताइएगा आप भी कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें विहान का जन्मदिन। तैयारियां तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, जोरों शोरों से तैयारियां होंगी हमारे बच्चे के जन्मदिन की। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सुनिए सुनिए सुनिए, साड़ी पहनी थी, इतना सा कॉम्प्लीमेंट तो देना था ना आपको, इतना ही कह देते अच्छी लग रही है, मतलब बोलना पड़ेगा हर चीज के लिए, एक बार खुद से तारीफ नहीं कर सकते थे मेरी? देख लीजिए इतना तैयार हुई, देखो साड़ी पहनी तैयार हुई, लेकिन फिर भी इतना सा नहीं, इतनी सी तारीफ इनके मुंह से नहीं निकलती कि कह दे कि निधि अच्छी लग रही है, इतना सा भी नहीं तारीफ करते हैं मेरी, मैं ही पीछे पीछे भागती हूँ इनके, बस यही रहता है हमारा। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।